स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं, और ये ज्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं? जो भी मॉइस्ट जगह होती हैं, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी चीजें लगी होती हैं रॉक्स वगैरह के साथ, वहां पे जो आपने ग्रीन ग्रीन चीजें देखी हैं वो क्या है? वो ब्लू ग्रीन एल्जी होते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया है। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स, अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, तो हमें पता है कि दो किस्म के ऑर्गेनिज्म है, एक होते हैं यूकेरियोट और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोट। ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये किस चीज की है? ये साइनोबैक्टीरिया की है, और आप इसके अंदर से देख सकते हैं इसका हेरिडिटी मटेरियल, ये जो न्यूक्लियोइड है, सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे आप देखें कि ये इररेगुलर शेप में मौजूद है, और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनके बाहर जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं, यानी कि इनके अंदर एक सेल जो है वो मौजूद होता है। इसके अगर हम और स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इसके अंदर जो है ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि ऐसी चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और उसके जरिए ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। अब खुराक खुद तैयार करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक लैमेला है, यानी कि एक मेम्ब्रेन है जिसे इन्होंने कहा है कि ये फोटोसिंथेटिक लैमेला में खुराक तैयार होती है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है, और बाहर जो है ये इसके एक कोट मौजूद होता है, और ये कोट जो होता है ये म्यूसिलेजिनस कोट होता है, या ये कहते हैं कि जो स्टिकी अपेयरेंस है इसकी वो इस कोट की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका मुख्तलिफ, इसकी साइज और शेप जो है वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कह देते हैं गैस वेजिकल। ये जो गैस वेजिकल है ये किस लिए होता है? ये मूवमेंट के होता है, यानी कि जितनी भी मोटिलिटी है इनके अंदर, इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इस गैस वेजिकल की वजह से होती है। नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर उनकी मूवमेंट के लिए क्या चीज मौजूद होती है? फ्लैजेला मौजूद होता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं इनके अंदर जो है वो फ्लैजेला नहीं होता बल्कि गैस वेजिकल मौजूद होते हैं। अब ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो उसके लिए इनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि पूरा फोटोसिंथेटिक सिस्टम मौजूद होता है, और ये फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ये वाटर यूज करते हैं, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट जो है वो मौजूद होते हैं इसकी बॉडी में। अब अगर हम इन पिगमेंट्स को देख लें तो इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए कौन सा है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि इसके अंदर फूड प्रिपेयर करता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी पिगमेंट होते हैं, यानी कि कुछ पिगमेंट जो हैं वो दूसरे पिगमेंट जो हैं वो हैं फाइकोबिलियंस। फाइकोबिलियंस जो हैं इन्हें हम कह देते हैं कि ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इसके अलावा इनमें फाइकोबिलिसोम्स जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है ये ग्रीन कलर की क्या है ये बताई है इसके अंदर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये वो मेम्ब्रेन है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर ये जो सर्कुलर सी चीजें मौजूद हैं ये क्या हैं? ये पिगमेंट्स हैं जिन्हें इन्होंने कहा है कि ये फाइकोबिलिसोम्स हैं। अब इनकी वजह से, इन तीन पिगमेंट्स की वजह से, ये क्लोरोफिल ए की वजह से, फाइकोबिलियंस की वजह से, और इन फाइकोबिलिसोम्स की वजह से क्या होता है, ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो शेप है वो भी बिल्कुल अलग होती है। कुछ जो होते हैं वो फिलामेंट्स की फॉर्म में ज्यादातर जो है ये मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये क्या मौजूद हैं? ये फिलामेंट्स हैं, ये लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं, और ये फिलामेंट जो है ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं? ये ट्राइकोम्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये टोटल जो है ओवरऑल हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये सारे फिलामेंट्स हैं, और उनमें से ये जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैं, ये जो एक लंबा जा रहा है ये क्या है, ये एक ट्राइकोम है, यानी कि ये चेन ऑफ सेल है, ये ट्राइकोम्स जो हैं ये आपस में मिलके फिलामेंट्स बनाते हैं। अब अगर हम इसी की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है वो एक स्टोरेज के लिए एक चीज मौजूद होती है, और वो क्या है? वो है ग्लाइकोजन, यानी कि जो भी फूड मटेरियल है, जो बचा कुचा रिजर्व फूड मटेरियल है, वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो किस चीज के होते हैं? वो होते हैं ग्लाइकोजन के। अब इस ग्लाइकोजन के अलावा अगर हम देखना चाहें कि इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो रिप्रोडक्शन के जो है वो इसके क्या तरीके हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये किस चीज की डायग्राम दिखाई गई है, ये फ्रेगमेंटेशन की डायग्राम दिखाई गई है। अब फ्रेगमेंटेशन जो है ये एक तरीके
तरीका है रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें कोई दो पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक ही जो सेल होता है उसके दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग टूट गया है और इसके क्या बन गए हैं, इसके फ्रेगमेंट बन गए हैं, यानी कि ये जो है ये इसके दो फ्रेगमेंट बन गए हैं और हर फ्रेगमेंट जो है वो बाद में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसको उसका बाइस बनता है। इसके अलावा इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन से होती है। बाइनरी फिशन भी क्या है, बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी कि टूटना। इसका मतलब है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है इधर से और स्प्लिट होने के बाद यहां से अगर उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी तो उससे दो ऑर्गेनिज्म जो है ये बन जाएंगे, यानी कि दो साइनोबैक्टीरिया जो है ये बन जाएंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वहां पे जो है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इनके अंदर। इनके अंदर जो है एकाइनेट मौजूद होते हैं और हेट्रोसिस्ट मौजूद होते हैं। अब ये एकाइनेट क्या है और हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट जो है वो एक लार्ज सेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी जो है उनका ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये सारे जो सेल होते हैं इन्हों कहते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल है। अब वेजिटेटिव सेल के मुकाबले में यहाँ पे आप देखें कि एक लार्ज बीच में एक सेल होता है और उसे कहा जाता है कि ये हेट्रोसिस्ट है। ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, यानी कि हवा से नाइट्रोजन लेता है। इसके अलावा इस हेट्रोसिस्ट के साथ जो है ये कुछ रेस्टिंग सेल होते हैं। ये जो रेस्टिंग सेल हैं ये कौन से हैं, इन्हें कहते हैं कि ये एकाइनेट्स हैं। ये एकाइनेट और हेट्रोसिस्ट जो है वो स्पेशल फीचर है इन साइनोबैक्टीरिया का। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये हमें पता है कि हमारी एनवायरमेंट में जो मॉइस्ट जगह होती है यहाँ पे जो है वो मौजूद होते हैं। इस दो तो काम हो गए कि ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट के जरिए और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक जो है वो खुद जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जो है वो एक स्पीशी है साइनोबैक्टीरिया की जिसे कहा जाता है ऑसिलेट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी जो नेम है वो है ऑसिलेटोरिया जो है ये एक स्पीशी है। और ये किस चीज की स्पीशी है, ये साइनोबैक्टीरिया की स्पीशी है। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ये ऑसिलेटोरिया की स्पीशी दिखाई गई है। और ये जो स्पीशी है ये किस चीज में अहम किरदार अदा करती है, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है इकोलॉजी में, यानी कि इन्वायरमेंट में जब पोल्यूशन ज्यादा होती है तो इसके अंदर जो है वो कलर जो है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर पोल्यूशन ज्यादा हो गई है। क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एलजी है, इनका नाम जो है वो ब्लू ग्रीन एलजी भी है, तो इनका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। लेकिन जब इनके अंदर जो है वो पोल्यूशन होती है तो इसके अंदर जो है ये रेड कलर जो है ये आपको नजर आने लग जाएगा। ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि पोल्यूशन जो है वो हो गई है और अपने इस कलर की वजह से ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखना चाहें तो वॉटर ब्लूम्स जो बनते हैं, वॉटर ब्लूम्स क्या होते हैं, बहुत सारे ओशन वगैरह कुछ ऐसे लेक्स वगैरह होती हैं जहां पे आपने देखा है कि वो ग्रीन ग्रीन सा एरिया हो जाता है और वो ग्रीन ग्रीन एरिया जो है यहां पे आप देख सकते हैं अपने सामने ये क्या है, ये वाटर ब्लूम्स होते हैं। और ये वाटर ब्लूम्स किस वजह से होते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यहां पे मौजूद वो जो है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लूम्स बन जाते हैं। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होने का मतलब है कि वहां पे जो भी चीजें हैं, लिविंग प्लांट हैं, कुछ फिशेज हैं या जो भी लीव्स गिरे हुए हैं उस लेक में, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाता है। और ये जो वाटर ब्लूम्स होते हैं जब इसका पानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लेता है, कोई भी एनिमल जो है वो लेता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। ये तो इसके अलावा जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कायम करते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्तलिफ फंजाए वगैरह के साथ यानी कि मशरूम जो होती हैं उसके साथ मिलके ये बैक्टीरिया जो हैं ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप काम करते हैं और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये क्या थे, ये तो था साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।